हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद पीके। फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन है वाई फैक्टोरियल जीरो इक्वल्स टू वन। फैक्टोरियल जीरो के बराबर में वन क्यों होता है, तो ये हमारा आज का डिस्कशन है। और मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल लॉजिक लेकर आया हूँ, वो लॉजिक आप लोगों को बताना है पूरा वीडियो देखने के बाद में कि कहाँ तक वो लॉजिक सही है। और अगर सही है तो आप लोगों को वीडियो शेयर जरूर करना है, और सही है तो क्या ये प्रूफ बन सकता है ये भी आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फैक्टोरियल जीरो बराबर वन होता है तो प्रूफ कैसे दिया जाता है इसका। तो हमें पता है कि फैक्टोरियल वन के बराबर में भी वन होता है, तो दोनों के बराबर में वन, फैक्टोरियल वन के बराबर में वन है और जीरो के बराबर में वन है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो पहले जो प्रूफ दिया जाता है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फैक्टोरियल एन की वैल्यू क्या होती है आप लोगों को पता है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू लास्ट में हमारे पास में थ्री इंटू टू इंटू वन होता है, यानी कि एक कम वैल्यू होती जाती है। जैसे हम फैक्टोरियल 5 का मान निकालें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 होता है। इस तरह से फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 होता है। तो फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि n को हम बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा, एक कम, यानी कि n माइनस 1 का फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पर हम n माइनस 1 से स्टार्ट करें तो ये इतनी जो वैल्यू है ये किसकी है, फैक्टोरियल n माइनस 1 की। तो n माइनस 1, फिर एक कम n माइनस 2, फिर एक कम n माइनस 3 और लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1 ये होता है। तो यहाँ पर हम n की जगह पुट कर दें, क्या पुट करें, वन पुट करें या जीरो, वन पुट करते हैं। अगर हम एन बराबर वन पुट करें तो यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल वन होगा और यहाँ पर वन इंटू वन माइनस वन, एन की जगह वन पुट किया। फैक्टोरियल वन की वैल्यू तो क्या होती है, वन होती है, तो हमने यहाँ पर वन लिख दी। और वन इंटू वन माइनस वन क्या होगा, ये होता है जीरो, वन में से वन जाएगा तो डेफिनेटली वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। तो फैक्टोरियल जीरो के बराबर में यहाँ पर क्या होगा, वन होगा, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या को तो वापस वही संख्या आती है, आप लोगों को पता है। तो फैक्टोरियल जीरो के बराबर में वन, ये इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। और प्रूफ करने के और भी तरीके हो सकते हैं, कॉमन जो तरीके होंगे वो इस तरह से होंगे, लेकिन हम यहाँ पर प्रूफ नहीं कर रहे, हम यहाँ पर एक लॉजिक लेकर आए और उस लॉजिक को हमें थोड़ा सा समझना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। देखिए यहाँ पर लॉजिक को समझते हैं। देखिए, टू की पावर जीरो जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमें पता है वन होती है, और टू की पावर वन की वैल्यू क्या होती है, टू होती है। टू की पावर जीरो की वैल्यू वन क्यों होती है, कोई भी संख्या की पावर जीरो करते हैं उसकी वैल्यू वन ही होती है, और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर तो हम थोड़ा सा यहाँ पर इतना ही समझ रहे थे कि टू की पावर जीरो जो है उसकी वैल्यू वन होती है। टू की पावर टू की वैल्यू क्या होती है, फोर। टू की पावर थ्री की वैल्यू होती है एट। टू की पावर फोर की वैल्यू होती है 16। और इस तरह से ये वैल्यू चलती जाती है। अब यहाँ पर वैल्यूज को हम रिवर्स में देखें, यानी कि नीचे से ऊपर देखें, तो हमें एक लॉजिक प्राप्त होता है और एक जनरल सा, यानी कि सामान्य सा लॉजिक हमें प्राप्त होता है। वो क्या होता है, देखिए 16 को हम 2 से डिवाइड करें तो हमें ऊपर वाली वैल्यू 8 प्राप्त होती है, और 8 को हम 2 से डिवाइड करें तो हमें ऊपर वाली वैल्यू 2 प्राप्त होती है, और 4 को हम 2 से डिवाइड करें तो ऊपर वाली वैल्यू 2 प्राप्त होती है, और 2 को हम 2 से डिवाइड करें तो ऊपर वाली वैल्यू 1 प्राप्त होती है। तो कॉमन सा सामान्य सा यहाँ पर लॉजिक लग रहा है कि सभी को 2 से हम डिवाइड करें तो ऊपर वाली हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है। लेकिन हम अगर फैक्टोरियल जीरो के बराबर में हमें वन प्रूफ करना है एक लॉजिक से, तो वो कैसे करेंगे। देखिए लॉजिक क्या होगा, फैक्टोरियल जीरो के बराबर में हमें वन लेकर आना है। देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल वन की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। फैक्टोरियल टू की वैल्यू टू होती है। फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू होती है 6। फैक्टोरियल फोर की वैल्यू होती है 24। फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू होती है 120। फैक्टोरियल सिक्स की वैल्यू होती है 720। और इस तरह से ये वैल्यू चलती जाती है। अब हम नीचे से ऊपर जाएं, यानी कि रिवर्स में जाएं, तो हमें एक लॉजिक प्राप्त होगा। वो लॉजिक क्या होगा, देखिए 720 जो है 720 है, उसमें हम इस 6 का डिवीजन करें, यानी कि 6 से इसको डिवाइड करें तो हमें 120 प्राप्त होगा, होगा कि नहीं होगा। और 120 को हम 5 से डिवाइड करें तो हमें 24 प्राप्त होगा। 24 को हम 4 से डिवाइड करें तो हमें 6 प्राप्त होगा। 6 को हम इस 3 से डिवाइड करें, यानी कि सेम रो में हम डिवीजन कर रहे हैं कि 6 में 3 का हम भाग देंगे, 24 में 4 का हम भाग देंगे, तो एकदम रो में हम चल रहे हैं। तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, और 2 को हम इस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर हमारा प्रूफ जो आ रहा है वो लॉजिक से क्या आ रहा है, देखिए 1 को 1 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो आप लोगों को अब कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये लॉजिक सही है कि नहीं, और छोटा सा लॉजिक है, इसमें कुछ खास है भी नहीं वैसे भी। तो क्या ये प्रूफ बन सकता है, अगर हम फैक्टोरियल जीरो के बराबर में वन प्रूफ करना चाहें तो क्या इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, कितना ये सही है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और यहाँ पर माइनस की जो पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं, उनका फैक्टोरियल परिभाषित क्यों नहीं होता है,
वो भी हम प्रूव कर सकते हैं साथ में। कैसे? देखिए, फैक्टोरियल जीरो से पहले क्या होगा, फैक्टोरियल माइनस वन होगा। अब फैक्टोरियल माइनस वन की वैल्यू हमें यहाँ पर प्रूव करने की क्या होगी, तो देखिए वन में हम जीरो का भाग देंगे, वन को जीरो से डिवाइड करेंगे, और मैं बताया वन को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन जीरो बनेगा, और वन अपॉन जीरो जो होता है उसको हम कॉमनली इन्फिनिटी लिखते हैं, और इन्फिनिटी जो होता है वो नॉन डिफाइंड संख्या होती है, यानी कि ये डिफाइन नहीं होती, परिभाषित नहीं होती। तो इसका मतलब ये होगा माइनस की जो संख्याएं होंगी, माइनस के जो पूर्णांक होंगे, वो उनका फैक्टोरियल परिभाषित नहीं होगा, नॉट डिफाइन होगा। क्लियर है? और आगे माइनस टू की बात करें तो माइनस टू का फैक्टोरियल भी नॉट डिफाइन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी बनेगा, और इन्फिनिटी में माइनस वन का भाग देंगे, तो इन्फिनिटी में आप किसी भी संख्या का भाग दीजिए, इन्फिनिटी बनेगा। तो ये भी आगे सारी जो नेगेटिव होंगी, पूर्णांक जो होंगे, वो सारे नॉट डिफाइन होंगे। तो यहाँ पर हम ये भी प्रूव कर सकते हैं इस लॉजिक से। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और मेरा लॉजिक अगर आप लोगों को सही लगता है तो एक काम जरूर करें, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें। एक काम किए बिना मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगा, ध्यान रखें, इतना काम आप लोगों को करना ही करना है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ये भी बताएं, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।